और रामकेश हटजा का उपाध्याय क्योंकि काफी उस समय का काफी चर्चित था, एक बार दोबारा से हिंदी फिल्म द्वारा क्या कहना चाहेंगे और जो विवाद भी पैदा हो सकता है? सर ये बहुत अच्छी बात है कि एक हरियाणवी गाना हिंदी फिल्म में आना, और सही कुछ तो हमारा सपना भी था कि हमारे गाने हिंदी फिल्मों में बजेंगे, और वो आज सपना पूरा भी हो रहा है, तो अगर उसका कोई विरोध करता था ये गलत बात है। और दूसरी बात, ये गाना मैंने अपनी मर्जी से ही अपने प्रोड्यूसर साहब हैं राजेश बख्शी जी, तो उनको दिया है और हमारी सहमति से मैंने लिख के दिया, क्योंकि राइट मेरे पास ही है और मैंने लिख के बतौर हमारा एग्रीमेंट हुआ है दिया। तो विकास जो हमारा छोटा भाई है, नादान है थोड़ा लेकिन समझ जाएगा, लेकिन उसने हमारे से पूछा नहीं कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगर ऐसा वो बोलता तो शायद वो ना करता, लेकिन उसने किया ऐसा, वो गलत किया था। नहीं सपना जी और हमने पहले भी काम किया, सपना जी शुरुआत करवाने वाले भी हम ही हैं, हमारी गाने में से ही आई थी और हमारा बड़ा वो सहयोग रहा है, हमने काम किया है और ये बहुत अच्छा कर रही है। हरियाणवी को इतनी पहचान मिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, आज अगर गाने हरियाणवी और हरियाणवी बोली जाती तो उसमें सपना का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इतनी दूर दूर तक, यहाँ नहीं मैं बॉम्बे अभी गया हुआ था, वहाँ पर भी सपना को सब जानते हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। अरे आज सपना के नाम से मैंने देखा उधर, मैं क्या नाम उधर जैसलमेर में गया हुआ था, इनके नाम से होटल ढाबे खुले हुए हैं, इनका फोटो लगा बड़े 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 पोस्टर, ये अच्छी बात है।